पर मेरे लिए 1 अप्रैल लकी है कि हमके घर हमारा घर में 24 साल के बाद लक्ष्मी आई और उसके बाद हमारा प्रगति भी बहुत हुआ। फोर्स कर रहे थे कि सलोन जा सलोन जा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो इस बार कुछ प्लान नहीं था ना उसके लिए। आई गेस अभी बजे है 11:10, तो उसी रीजन से मेरा चल रहा था कि मरीन ड्राइव जाके आते सो दैट 12 एटलीस्ट 12 बजने के बाद में मैं तुझे दिखा रहा था। एक्चुअली उस शाम से बाहर है तो उसको ऐसा हो रहा था कि मैं कब घर पे जाऊंगी। हाँ। तो मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया बट इन वे सरप्राइज देना था, बस 1 घंटे पहले मिल गया था सरप्राइज। बहुत अच्छा सरप्राइज है, मतलब मेरा स्माइल नहीं रुक रहा है। पूरा मैंने डिजाइन किया ये सारा। हाँ ना, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, एक बंदा आया था वो करके गया। सुना अभी अपन लोग फटाफट केक काटते हैं क्योंकि उसके बाद में जब तेरे को फोन आना शुरू करेगा ना तो तू ना मेरे पास ध्यान देगी ना केक के पास। कुछ भी है। हाँ, बट काट लेते केक। वाओ, मेरा फेवरेट केक लाया आपने। यस, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा खाओ। ये ड्रेस में और छोटी लग रही है, ऐसा लग रहा है तेरा एज कम होते जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। उसके फोन शुरू हो गए। तो केबी आया तो तू फटा से कैमरा लेके आया, मैं आ रही तो तू मेरे लिए मेरे तरफ देखने के लिए भी रेडी नहीं। The next morning. So, मेरे बर्थडे की शुरुआत आज मैंने बहुत अच्छे से की। एक्चुअली मैंने एक गोल डिसाइड किया है मेरे खुद के लिए, तो उसे अचीव करने के लिए मैं फिलहाल वर्क कर रही हूँ। मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी कि ये बहुत टू सून हो जाएगा। सो बाय द वे, हाँ अभी मैं एकदम सिंपल कपड़ों में हूँ, ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुई हूँ। अभी मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग लंच का प्लान कर रहे हैं और उसके पहले हम जाकर हमारा घर दोनों भी देख कर आएंगे कि क्या काम का प्रोग्रेस हुआ है, बिकॉज़ पिछले ये वीक में हम लोग जा ही नहीं पाए, बहुत ज़्यादा काम था इस वजह से। मुझे इतना ज़्यादा गर्मी है, जब हम लोग रात को डिनर के लिए जाएंगे तब मैं अच्छे से रेडी होके जाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने एकदम सिंपल घर के कपड़े, मतलब घर का टी शर्ट और पैंट डाल के हम लोग बाहर जा रहे हैं। कैसे इसके लिए आमरस लेके आई? सुशील के लिए लेके आई कांदी वाली से। मेरे लिए नहीं ले, दो लाए, दोनों ले, दोनों के लिए लेके। पीटों का गाड़ी हो जाएगा। हाँ। थोड़ा गैप रहेगा तो चलेगा। बहुत जोर से चलता है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं क्यों टेंशन लूं, मेरी लड़की, दामाद, बच्चे लोग हैं, वही संभालता है सब लोग। हॉल का हो गया टाइल। हाँ, हॉल का हो गया। तो ये बेडरूम में पूरा टाइल लगाया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लीकेज था। या मोस्टली बेडरूम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइल लगा दिया है, कबर्ड के पीछे भी टाइल है और यहाँ पे भी टाइल है क्योंकि ये वाले रूम में थोड़ा ज़्यादा लीकेज था, बट हॉल और किचन सॉर्टेड है तो उसके लिए वहाँ पे सिर्फ कलर मारेंगे। अभी ये टाइल पे और थोड़ा डिजाइनिंग आएगा तो उसके वजह से और थोड़ा बेटर लग सकता है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा रॉ है बट ऑलमोस्ट काफ़ी सारा काम अभी ख़त्म होने का है टाइलिंग का। अभी जो मेन काम रहेगा वो रहेगा कलरिंग का। सिंस अभी मम्मी पापा और निशु भी यहाँ पर है तो उन्होंने फिर से केक ऑर्डर किया है। शादी को हमारे 5 साल हो गए और 5 साल में एक भी बार हमने मैंने एक्चुअली पेरेंट्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। सो आज लकीली सब कुछ पॉसिबल हो गया, पापा को भी टाइम मिल गया। यूजुअली पापा को टाइम नहीं होता अप्रैल मंथ में क्योंकि उनका सारा इनकम टैक्स रिटर्न का बहुत सारा काम चल रहता है। सिर्फ आई बाबा और भाई मिसिंग है। सो हम लोग एग्जैक्ट 8:20 को केक कट कर रहे हैं। क्यों मम्मी ऐसा 8:20 को क्यों कर रहे हैं? ओ बात, 8:20 को उसको किंजल का जन्म हुआ था और ये केक मंगाया है किंजल के लिए। रेड वेलवेट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू।
लग रहा है पूरा फैमिली साथ में। आई बाबा को भी मिस कर रहे थे क्योंकि सब लोग तो आई बाबा और भाई भी होने चाहिए थे। स्वतःच्या हाताने केलाय मी। अरे मस्त केलं छान। नाही ग नाही नाही स्वतःने नाही केलंय मी। अच्छा पप्पा बोलो बोलो आपका कोई बचपन का याद बताओ। किंजल का ऐसा बर्थडे रहता था। किंजल का हर बर्थडे में हम कुछ ना कुछ नया लाते थे लाइक फ्रिज एसी टीवी वगैरह वगैरह। ऐसा कौन सा चीज आपको याद है अभी जो लाया था किंजल? हम किंजल के लिए कोडेक्स का एक कैमरा लाया जो उसको पहले से फोटोग्राफी का बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। तो हम वो लेके आया था। अच्छा। और वो साथ में एवरी टाइम साथ में ही रहती थी। अच्छा। और वो जो पसंद करती थी वही हम देते थे। वैसा एसी में एयर कंडीशन भी ऐसा ही किया। अच्छा। तो जब भी वो दसवीं में आई मैं बोला चलो गर्मी की सीजन है तो मैं बोला 1 तारीख को अपन एसी लेंगे। और मेरे लिए 1 अप्रैल लकी है। हमके घर हमारा घर में 24 साल के बाद लक्ष्मी आई और उसके बाद हमारा प्रगति भी बहुत हुआ। तो और बचपन की कोई याद किंजल की? ओ किंजल का बहुत बचपन में उसको कपड़े का बहुत शौकीन थी। फिर पार्टी करने का शौकीन, फिर उसके लिए पार्टी बनाती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे का पार्टी नहीं किया बर्थडे में। हर बर्थडे का पार्टी। हाँ, उसको जो चीज पसंद है हम लोग लेके देते। और मेरा बच्चा है बाद में मेरे घर में खुशी आई। एक्चुअली ऑलरेडी सब मम्मी पापा ने सब बोल दिया है। तो एक तो यही होता था कि वो बड़ी थी मेरे से तो मतलब उसके और उसको वैसे भी पहले से काफ़ी शौकीन है वो हर चीज़ के लिए। उसको रहना भी ऐसे एकदम अच्छे से हाई मेंटेनेंस पहले से थी वो और हर चीज़ का शौक था। और जो तूने मेरे को मेन बात बताया बुली करती थी उसका क्या हुआ? वो इसमें अभी नहीं बोलना है उसमें। अच्छा अच्छा ही बोलना है। पॉजिटिव। हाँ मतलब भाई वो बचपन से क्या मतलब एम्बिशियस थी तो घर में कुछ भी नया चीज़ लाना है या कुछ भी लाइफस्टाइल वाइज आगे बढ़ना है तो वो ही हमेशा पुश करती थी। इसलिए उसके बर्थडे के दिन हर चीज़ आती थी। अभी हम लोग मिसल पार्टी करने वाले हैं और ऑलरेडी इन सबको तो पता ही है कि मैं मिसल की इतनी बड़ी फैन हूँ। तो अभी हम लोग मामलेदार का मिसल मंगा रहे हैं। और तू कितना 10 पाव खाएगी आज? मैं उसको पूछा 10 पाव, मैं तो 2 ही पाव खाती हूँ। हाँ मैं खाऊंगी 10 पाव यार, मैं मिसल की उतना मेरे को क्रेज है। तू खा लेगी 10 पाव। और ऐसा पार्टी करने में ना ज्यादा मजा आता है। मतलब ऐसे फैंसी खाने से ज्यादा ऐसे मिसल पाव, पाव भाजी, वड़ा पाव, लाइट मीडियम तिखट। मेरे लिए मीडियम बोल। अरे बेटे मीडियम ही सब नहीं आवडे नहीं आ तो देवा नहीं बर्थडे मरते नहीं आ नहीं पड़वा बर्थडे मरते आने भी नहीं दे जो वस्तु मेरे को। हां जा पाछो मेरा। क्या मस्त स्मेल आ रहा है ना? हाँ मस्त है एकदम। मिसल पार्टी आ जाओ सब लोग, आप लोग भी, आप लोग सब लोग आ जाओ मिसल पार्टी के।